नमस्कार सभी को। आज दो बैलों की कथा इस पाठ के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, अत्यंत सरल भाषा में। फिर भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं फिर से आपको वो प्रश्न जो है उसका उत्तर समझाने की कोशिश करूँगी। तो हमारा पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों लगाई जाती होगी। यह है हमारा पहला प्रश्न। इसका उत्तर इस तरह से है, कांजी हाउस में यह देखने के लिए पशुओं की हाजिरी लगाई जाती होगी कि कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया या मर तो नहीं गया है, इसलिए वहाँ पर हाजिरी लगाई जाती होगी। यानी कि नोट किया जाता होगा कि कितने पशु हैं वहाँ पर, गिनती करना हाजिरी लगाने को कहा जाता है। अटेंडेंस जैसे लगाई जाती है स्कूल में, उसी तरह से। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है, छोटी बच्ची के प्रति के मन में बैल के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो छोटे बच्चे उन बातों को बड़ा महत्व देते हैं जो बड़ों को अर्थहीन लगती हैं। वयस्कों को अर्थहीन जो लगती हैं उन बातों को छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उन बच्चों के लिए एक जानवर द्वारा अपने घर का रास्ता खोजकर सही सलामत पहुंच जाना बड़ी अनोखी बात लगी होगी। साथ में यह वाकया उनमें गांव के प्रति सम्मान की भी याद दिलाता होगा। प्रश्न आ जाता है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। यहाँ पर उत्तर ऐसे है कि कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्ती की भावना की। एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। उसमें हीरा और मोती ने कठिन से कठिन समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है सहन शक्ति। लेखक ने भारतवासियों के बारे में इस गुण का बखान किया है। दोनों बैल ज़्यादातर समय परिस्थिति को सहने की कोशिश करते हैं। जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तभी वे किसी पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करना यानी हमला करना। तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात ये थी कि उस व्यक्ति को याद रखो जिसने आप पर कोई एहसान किया हो। कहानी में कोशिश यही होती है, जिस छोटी लड़की ने उनको रोटियां खिलाई हैं उस पर कोई आँच ना आने पाए। उसके बाद क्या सीख मिलती है? कि स्त्री पर हमला नहीं किया जाए। हमारी सभ्यता में शुरू से ही नारी को बड़े सम्मान से देखा जाता है और यही कहानी में सीख देने की कोशिश की है। फिर ये सीख मिलती है कि जब शत्रु एहसाए हो जाए तो उस पर हमला नहीं करना चाहिए। हम इतिहास में ऐसी कई घटनाओं से परिचित हैं जिनमें निहत्ते शत्रु की जान बख्श दी जाती है। आखिरी सीख क्या है? दूसरों की जान बचाने में अपनी जान भी चली जाए तो भी दूसरों की जान बचानी चाहिए। ये सारी सीख हमें इस कहानी में मिलती हैं। उसके बाद प्रश्न आ जाता है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख शब्द का प्रयोग न करके किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। इस कहानी में प्रेमचंद ने गधे को सहनशीलता का प्रतीक माना है। उनके हिसाब से गधा हर्ष और विषाद दोनों में तटस्थ रहता है। उसके साथ कितना भी बुरा हो कभी भी दुखी नहीं होता है और कितना भी अच्छा मौका आ जाए वो एक वैरागी की तरह भावहीन बना रहता है। ज़्यादातर मनुष्य गधे की इस प्रतिभा को समझ नहीं पाते हैं और अपनी नासमझी के कारण गधे को मूर्ख समझने की गलती कर बैठते हैं। यानी कि यहाँ पर उसे अच्छा बताया है, गधे को मूर्ख नहीं बताया गया है। फिर प्रश्न आ जाता है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। तो आप कहानी की शुरुआत में उनका एक दूसरे को चाटना, सहलाना, चारा खाना और फिर एक साथ नान में मुंह फेर लेना उनके गहरे भाईचारे की तरफ इशारा करता है।
जब उन्हें बैलगाड़ी में जोता जाता है तो हमेशा एक बैल की कोशिश रहती है कि दूसरे पर कम भार पड़े, और दोनों पर जब मुसीबत आती है तो दोनों साथ मिलकर के भी उसका सामना करते हैं। इसका सबसे अच्छा चित्रण सांड से लड़ाई के समय हुआ है, जब एक बार एक की जान संकट में पड़ जाए और दूसरा उसकी जान बचाने के लिए सारे रास्ते खुले हों, तब भी दोस्त जो है दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और यह कांजी हाउस में जो घटना हुई थी उससे साफ हमें नज़र आता है। उसके बाद प्रश्न आ जाता है, लेकिन औरत जात पर कभी सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्रियों के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद ने स्त्री को अबला मानने की अवधारणा जो है पुष्ट की है। प्रेमचंद का मानना है कि स्त्री को पूरा सम्मान देना चाहिए और कभी भी उस पर वार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को किस तरह व्यक्त किया गया है। किसान के लिए पशुधन का सबसे बड़ा महत्व है। पशु उनके खेतों में हल चलाता है, फसल की कटाई से लेकर उसे खलिहान होते हुए बाजार तक पहुंचाने में पशु की बड़ी भूमिका होती है। झुरी के बैल उसके खेतों को जोतते हैं, उसका रहर चलाते हैं और उसकी गाड़ी को भी जोतते हैं। झुरी एक अच्छे मालिक की तरह अपने बैलों की पूरी देखभाल भी करता है। यहाँ पर एक मनुष्य और पशु के मधुर संबंध को दिखाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ झुरी का साला एक निर्दयी की तरह व्यवहार करता है। इस दुनिया में अच्छाई और बुराई भी रहती है। जीवन यदि हर जगह आदर्श हो जाए तो दुनिया बड़ी रंगहीन हो जाएगी। बिना खलनायक के नायक का अस्तित्व नहीं हो सकता, बिना रावण के राम की कहानी नहीं बन सकती है। प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो मोती का जो ये प्रश्न था या इसका कथन था, इस कथन से मोती के विशाल और परोपकारी दिल का पता चलता है। वह इस बात के लिए कतई चिंतित नहीं है कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन इस बात से खुश है कि उसकी कोशिश के कारण कई अन्य प्राणियों की जान बच गई। उसके बाद प्रश्न आता है, आशय बताना है, आशय स्पष्ट करना है, तो किसका करना है? अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, बैल एक मूक प्राणी होता है जो कभी कभार रंभा लेता है। दोनों बैल अक्सर आपस में मूक संवाद किया करते थे, यानी मूक बातचीत करते थे। उनके संवाद को मनुष्य नहीं समझ सकता था। लेखक इस बात पर कटाक्ष कर रहा है कि मनुष्य अपने आप को सबसे अधिक बुद्धिमान समझता है, फिर भी उसे मूक पशुओं की भाषा या भावना समझ में नहीं आती है। लेखक को लगता है कि मनुष्य का सबसे अधिक बुद्धिमान होने का दावा खोखला है। दूसरा जो स्पष्ट करने की बात है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसमें दोनों बैल गया के पास पहुंचने के बाद उस प्यार के लिए तरस रहे थे जिनकी उन्हें आदत पड़ गई थी। जब छोटी लड़की ने उन्हें रोटी दी तो उनके मन को कुछ शांति मिली। एक रोटी किसी भी बैल की भूख को शांत करने के लिए काफ़ी नहीं होती है, लेकिन उस रोटी में लड़की का अपार प्रेम मिला जिससे हीरा मोती का मन अंदर तक तृप्त हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों? क्यों दिया? क्योंकि गया पराए बैलों पर अधिक खर्च करना नहीं चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस में नहीं था और वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। उसे खली आदि की सामग्री की जानकारी नहीं थी, इनमें से आपको बताना है, तो वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। प्रश्न आता है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार बताएं। उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि ऐसा अक्सर होता है कि लोग शोषण को सहते रहते हैं और कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। जब कोई इक्का दुक्का व्यक्ति शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसे कई कष्टों का सामना करना पड़ता है, और उस एक व्यक्ति के बलिदान के अक्सर अन्य लोगों को फ़ायदा होता है।
ऐसा इस कहानी में भी हुआ। आज के प्रश्न बस इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।